भारतीय संविधान के बारे में सबने सुना है, लेकिन कम ही लोग होंगे जिन्होंने संविधान की मूल प्रीति को देखा होगा। आपके भी मन में उसे देखने की उत्सुकता होगी, तो ये खबर हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में संविधान की मूल प्रीति को रखा गया है, जो कि यहाँ 31 मार्च 1956 को लाई गई थी। उस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान की कुल 16 मूल प्रीति भेजी गई थी। ऐसे में ग्वालियर मध्य प्रदेश के उन इकलौते शहर में था जहां इस मूल प्रीति को भेजा गया था। संविधान की मूल प्रीति ग्वालियर सेंट्रल लाइब्रेरी की शान में 4 चांद लगा रही है और इसे देखने में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। रहा है कि हमारे पास जो संविधान की कॉपी एक है, हमारे पास एग्जिस्ट करती है इसी ग्वालियर सेंट्रल लाइब्रेरी में, और जितने बड़े बड़े लोगों के सिग्नेचर्स, जैसे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस देश की आज़ादी, इस देश को रिपब्लिकाइज करने के लिए, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों को सबको एक बार देखने का मौका मिलता है, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, तो ये सब चीज़ें हमको बहुत प्राउड फील कराती हैं कि कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए। 26 जनवरी 1950 में देश में संविधान लागू हुआ और इसी दिन से हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। उस वक्त इस संविधान की 16 मूल प्रीतियां तैयार की गई थी। संविधान की 16 मूल प्रीतियों में से संविधान की एक प्रीति ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजवंश को भी भेजी गई थी। बाद में ये मूल प्रीति ग्वालियर के महाराजबाड़ा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में सहज कर रखी गई, जो आज भी सहज कर इस लाइब्रेरी में रखी हुई है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई तो हमको डिजिटल फॉर्म में देखने को मिला। इसके अंदर हमें बहुत चीज़ें बताई गई और हमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के सिग्नेचर भी देखने को मिले, जो कि हर किसी के अवसर नहीं होता, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर जी, उन सब के हमको साइन देखने को मिले और बहुत सी नॉलेज भी हमें देखने को मिली, जो कि आई थिंक आज की जनरेशन में लोग इतना ज़्यादा नहीं देख पाते, बट हम लोग लाइब्रेरी के अंदर हम लोग को देखने का मिला, तो हमें बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है। और डिजिटल फॉर्म है तो मुझको ऐसा लगता है कि आगे वाली जनरेशन के लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी देखने के लिए, क्योंकि संविधान की मूल प्रीति की खासियत ये है कि ये लिथोग्राफी पैटर्न में लिखी गई है। इसमें गोल्डन इंक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सहित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य लोगों के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने संविधान को मिलकर तैयार किया था। इसमें कुल 287 लोगों के अंतिम प्रश्न पर हस्ताक्षर हैं। संविधान की जो मूल प्रति हमारे इस सेंट्रल लाइब्रेरी में सुरक्षित है, ये हमारे लिए, हमारे ग्वालियर वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है। हमारा पूरा देश इसी संविधान के ऊपर चल रहा है। ये जो हमारा संविधान है, इसको तैयार करने के लिए संविधान सभा में जो सदस्य थे, लगभग उनमें 287 सदस्यों के इसके ऊपर साइन है, जिसमें मुख्यतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, बी आर अम्बेडकर जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और लगभग 287 सदस्य थे, सभी के इसमें मूल हस्ताक्षर। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुए भारत के संविधान में 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। इसमें अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ग्वालियर लोकतांत्रिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण शहर रहा है। ऐसे में ग्वालियर में संविधान की मूल प्रीति होना बड़े ही गर्व की बात है।